चैनपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मुख्यालय के बाजार ताड़ के समीप एक युवक ने अवैध संबंध के शक के चलते अपनी पत्नी की मुर्गा काटने वाले चापड़ के गला काटकर मौत के घाट उतारा दिया। आरोपी पति घटना को अंजाम देकर चैनपुर से फरार होने के मनसे से चैनपुर बस स्टैंड पहुंचा था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने चैनपुर बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पति पत्नी का अक्सर विवाद होता रहा था, जिसके कारण पत्नी काफी समय से अपने मायके रामपुर गांव में रहती थी। वहीं बुधवार को दोनों की मुलाकात चैनपुर ब्लॉक मोड़ में हुई, जिसके बाद पति अमित टोप्पो ने अपनी पत्नी मंजुला टोप्पो मंजुला सिंह को समझा बुझाकर जबरन अपने साथ अपने घर ले आया। लाने के क्रम में ही होटल में नाश्ता करने के दौरान दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद रात्रि लगभग 9:30 बजे अमित अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका और घर में रखे मुर्गा काटने वाले चापड़ से अपनी पत्नी मंजुला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद वहां से वह फरार हो गया। गुरुवार अहले सुबह बस बैठकर भागने के फिराक में वह चैनपुर बस स्टैंड पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चापड़ को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। इधर आरोपी पति अमित टोप्पो ने बताया कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध का शक मुझे काफी दिनों से था, जिसके कारण वह मेरे साथ नहीं रहती थी। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपनी माँ के साथ हो, 1 बच्चा मेरे साथ रहता था। रात्रि में दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद मैं गुस्से में आकर घटना को अंजाम दे दिया। घटना के संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर बैजू राव ने बताया कि बुधवार देर रात अमित टोप्पो ने अपनी पत्नी मंजुला की मुर्गा काटने वाले चापड़ से गर्दन पर वार कर हत्या कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।